वेलकम, आप सभी का स्वागत है घूमकेतु पे। मैं हूं आपका बंदर शशांक, योर बॉय नेक्स्ट डोर, एंड टुडे वी हैव समवन स्पेशल विद अस। हाय गाइस, माय नेम इज उदय पाठक एंड आई राइड अ केटीएम ड्यूक 250 एंड आई एम अ मेंबर ऑफ द ह्यूमन ब्रिगेड फैमिली। कैच यू इनसाइड विद अ प्रॉपर रिव्यू एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज। तो गाइस, ऑलरेडी आप लोग उदय को जानते हो, इंट्रो सीन में आपने देख लिया होगा उदय क्या चलाता है। एंड नाउ यू प्रोबब्ली विल बी थिंकिंग यार, केटीएम ड्यूक 250 का ये रिव्यू देने वाला है। नहीं, ये रिव्यू नहीं है, इनके विचार है 250 के बारे में। बट इस बंदे की स्टोरी ऑफ राइडिंग इज अमेजिंग, और वो स्टोरी मुझे आप लोगों को बतानी है। वैसे ये पूरी डिटेल स्टोरी नहीं है, उड़ी उड़ी बताएंगे। अगर आपको डिटेल स्टोरी देखनी है तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, द ट्विन ब्रिगेड का पेज फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करने के बाद वहाँ पे IGTV जो आया है, जिसमें मैं भी हूँ, मैं भी विराजमान हूँ, ये भी है, उसमें आपको इनकी पूरी डिटेल स्टोरी देखनी सुननी पड़ेगी। इन द मीनवाइल उड़ी उड़ी स्टोरी हम बनाते हैं, और साथ ही साथ रिव्यू है ये छोटा मोटा सा ऑफ KTM ड्यूक 250 पोस्ट हाउ मेनी इयर्स यूजेज। 4 साल बाद यूज करने के बाद ये बंदा क्या कहता है। सो उदय यार देखो, कल जो तुम्हारी स्टोरी सुनी ना, उसको थोड़ा शॉर्ट में छोटा सा सुनाओ, एंड उसके बाद ये बताओ हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर बाइक्स, हाउ यू गॉट इनटू दिस होल राइडिंग कल्चर, हाउ यू मेट हिम, एंड देन what was the whole thing behind riding a bike and what riding a bike for you is to begin with na I went to a family trip with to Lonavala when I was in 6th grade, right? chhati class ka bachcha tha banda. So across our hotel there was a group of Kawasaki riders and flashy bikes, flashy green bikes, loud sound, of course. Chota bachcha attract, chota bachcha attract. Main gaya, the guy on the bike was like, come here, rev the motorcycle once. I revved it once, I fell in love. छोटा सा इंजन है, इतना आवाज कैसे आया? Oh, and for a little kid, all the pops and bangs are the flashy stuff. They like. हमें अच्छा लगता है किसी भी, like I guess हर कोई agree करेगा इस बात पे कि धूम was the movie जिसने हायाबुसा को हमारे लिए god बना दिया। तो वैसे इनके लिए वो god moment था। Then how you? So after that, cut to now. Yeah, cut to now in the sense जब तुमने bike लेने का सोचा। Right, yeah. वो 6 साल के बाद So I was saving for to buy this motorcycle from when? From after 6th grade. Right. क्या मजा कर रहा है, 6th class के बाद तूने bike के लिए save करना शुरू कर दिया? हाँ, I saved till the end of 12th. मेरे को college में bike लेना। मतलब 6 साल तूने save किया bike के लिए? Yeah, I was saving for 6 years. A 6th class student decided and started saving for a bike. After a certain point in time, I told my father about my ideas. So my father helped me. And he motivated me, like, okay, you save, and you can buy a motorcycle that you like. And how you save? Come out of the thing? I used to save from the Diwali blessings and the birthday ka money and all that. Hi. Yeah, all of that. Nothing. मतलब घर पे रिश्तेदार आए, बेटा 50 रुपए, वो 50 रुपए तुमने बचाए। Exactly. कभी कभी ज्यादा पैसे मिलने के लिए मैं रिश्तेदार को 2 बार भेज चुका हूँ, कि हाँ ज्यादा मिलेंगे तो ज्यादा बचे। You do okay. stuff. ठीक है, ये सब करके 12th क्लास तक कितना बचाया था? आई सेव्ड अराउंड 1,44,000 बाय दैट पॉइंट, एंड द बाइक वाज एट दैट पॉइंट कॉस्टिंग 2 लाख 2 लाख हां, तो फादर कंट्रीब्यूट, माय फादर हेल्प मी आउट, गिव मी 60k फॉर द बाइक। अब उसे हेल्प मी आउट नहीं कहते, उसे कहते मेरे बच्चे को कुछ चीज चाहिए, मैं पैसे दे रहा हूं, वो हेल्प मी आउट नहीं होता। नो, एक्चुअली व्हाट आई इंटेंडेड टू डू वाज कि आई वांटेड टू बाय बाय द फर्स्ट मोटरसाइकिल बाय माय ओन मनी, लाइक नॉट ओन मनी एज सच, बट आई मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। या यू गेट द पॉइंट, राइट? तो my father he know you want the bike. Yeah, I was actually planning to postpone the bike. Okay, I said I would buy it in 2018 instead of 17, so I can save up the rest of the system. So my father was like, no, okay. Acha, you told me ki you went for a 200, yeah. Then you realized ki wo 250, then wo bhi thoda dynamics change hoga. So I was planning to buy the KTM Duke 200. Okay. It was launched in India in 2012. ye kharab matlab banda kahan se umeedon ki udaan dekh raha hai? Yeah, ha aage bol. To I remember the date, it was 23rd February 2017. Okay. Right. That day, KTM announced the new Duke 390, the one with the LED unit, and the Duke 250. Okay. Like, it was launching Duke 250 for the first time in India. Okay. And the Duke 250 came with a halogen headlamp, and it looked like the second, the 2014 car Super Duke. Yeah. I was a big fan of Super Duke. Right.
I was a kid. We all are. Yeah. Still, we are a big fan of Superdude. Friend blast side kar do, but fir bhi. So I was like, main ye lena. That was a bit more expensive than the 200. Exactly. So maine bas ek simple sa cheez kiya ki bande ka 12th khatam ho raha hai, to he'll get a smartphone and he'll get a new motorcycle. Wo bhi kahani hai bhai. Haan, to smartphone thoda sasta le liya aur bike mein lagaya. Kaun sa lene wale the smartphone? 7 plus lene wala tha iPhone. Aur fir liya kaun sa? SE. फोन छोटा कर दिया, बाइक बड़ा कर दिया। देखो कंपनी स्पेसिफिक है, हमारा कैमरामैन इस बात पे थोड़ा सा डिसएग्री करेगा। हाँ, बट फिर भी ओके, देन यू हैव द बाइक एंड देन यू टोल्ड मी कि बीच में तुम्हारे साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ और उसकी वजह से ये बाइक बेचना चाह रहे। हाँ, वो हादसा क्या था? 3 months into riding motorcycles, I had a very bad crash in December. Guy ran a red light and banged into me. I broke my leg. So the first day before the surgery, I was in the hospital and I was talking to a friend. He, after my bike gets fixed, you talk to some people and sell my bike. I don't want to keep this bike anymore because it has caused this lot of pain and commotion. Right. And this was when you were how old? I was 18 years old. मतलब वही मतलब 3 महीने बाद गाड़ी खरीदने के 3 महीने बाद. Okay, just खरीदी हुई गाड़ी. Yeah, it was in December 2017. I bought the bike in September 2017. Right. So after that happens, my father comes into the room and he sits beside me and says, "Ki tu khada hoga aur tu fir se bike chalayega, bike hi bech." And that motivation, that emotional support at that point in time helped me and it gets me where I am right now. और उस बात को आप almost all 3-3.5 साल हो. Yeah. So that was, you know, I'm still thankful for that day. सहज एक्सपीरियंस राइडर है या रोहित एक्सपीरियंस राइडर या अब फॉर दैट वेरी पार्ट हमारे ग्रुप में कोई भी एक्सपीरियंस राइडर है मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा बट वेन यू आर राइडिंग विद डिफरेंट पीपल लाइक अस हू आर राइडिंग बाइक्स फ्रॉम एटलीस्ट अ डेकेड इफ आई टॉक अबाउट मी आई एम राइडिंग अ बाइक whether it is for commute, whether it is for travel, luxury, किसी चीज़ के लिए, मज़े के लिए, passion के लिए, but मुझे एक decade हो गया two wheels पे. आपको 4 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, 2 साल हुआ है. How you match up to us and what is the difference you see in you and us? Like I'm riding with relatively more experience than I have. Right. Okay. So what I see is कि When I was new to motorcycles, I was like, हाँ तेज जाना है ठीक है. I want to do top speeds. I want to do 0 to 100. वो एक 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 जगह पे कीड़े होते हैं हम सब के. वो कीड़े काटते हैं. वो कीड़े मुझे भी थे. But then I came in contact with more mature riders. Then I realized that there are more important stuff to motorcycles than just going fast. Yeah, like there's proper riding etiquette. There's riding ways. You know, there's certain discipline that goes into riding. Correct. Contributed to me. I'm still learning and I have a long way to go. In a way I'm glad that I'm associated with people like you, that I can learn from you. Like for that part I guess it's just not TTB, I guess kisi bhi everyone. Yeah. Ek matured rider group se aap jab milte hai and if the intention is not bhagao aur race track pe daudao, to har kisi ek matured rider group ka yahi point of view rehta hai ki yaar explore the bike. Love the bike. Feel the riding a bit and don't rush into things. Now, ये सारी चीजें आपने explain करी. What your bike contributed to achieve this today? How is KTM Duke 250 for you and how the bike is treating you from past 4 years? KTM Duke 250. It's a middle child of sorts, right? Okay. If you want at that point, if you wanted to enter the KTM, you'd buy the Duke 200. Correct. If you have more experience or if you want more power, you'd buy the Duke 390. Correct. There was no particular reason to buy the Duke 250. I guess now we have a 125 also. Yeah, 125 also. Too. Okay. Yeah. So, but then after riding the motorcycle for about 12,000 kilometers now, so I'm like, it's a bit more mature, like, you know. How do you rate mature? Like. It's not as frantic as the Duke 390. Okay. And it makes a certain amount of its power in the mid-range. Okay. So it's a bit easier to ride and it's more approachable for beginners. हाँ जाहिर सी बात है. मतलब साइकिल के बाद मैं डायरेक्ट वो बाइक पे आ सकता हूँ अगर मुझे चलानी आती है. एग्जैक्टली. वो मुझे डर आएगी नहीं. Duke 250 was my first motorcycle. I learned on a Splendor and a CV Shine.
exhibition much better. Relatively completely different riding postures and power delivery. Commuter motorcycles for sure. Right. So I learned on those, and Duke 250 was my first motorcycle. And generally, a quarter liter motorcycle with 30 brake horsepower would scare anyone silly. Huh. Like a new guy who had just started and entered the world. Yeah, but then again, it was very approachable. Only ऐसा होता था बचपन. What do you want to explain about Duke 250 in just one word? What is that one feeling it gives you every time when you put your leg on that pedal and you rev that throttle up? Traffic में उसको zip zap zoop करके निकालते रहते हो, या फिर आप एक खाली road पे भी जा रहे हो? And you just see a tunnel view, आप bike चला रहे हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है. What is that one word feeling for you? After I've done all of those things, yes. When I get off the motorcycle, there's only one word I utter in my helmet, and that's Saras. Saras is a Gujarati word that just translates to good. Like, Bollywood आने के बाद से Saras तो हम समझ ही गए होंगे, क्योंकि इतना typical word तो नहीं है. I felt good. Okay. Every time I get off the motorcycle, it feels good. Maybe not in the same way, not necessarily, but then again, like, मजा आता. And One way to explain my motorcycling experience now. I do it because I like it. That's it. That's the best thing. So, relatively how, this guy, Uday told us ki ye naya hai riding mein and everything. Ek cheez jo main se puchna chahta hu, and before asking that one thing, let me tell you guys. This guy is a medicine student. He's learning doctory, ek tarah se. चलो कह लो डॉक्टर ही कह लो भाई, कुछ दिन में आला लगा के घूमेंगे, ये सिंपल बात है, खूब सारे पैसा कमाएंगे. ये हमारे इंस्टीट्यूशन में डाल दिया गया दिमाग में, ले भाई डॉक्टर मतलब पैसा. तो ऐसा जो समझ रहे ना वही समझ वाली बात, जबकि वैसे है नहीं, बट चलो समझ लो. तो ये जब डॉक्टर साहब बन जाएंगे तो ये बहुत सारे पैसे कमाएंगे, मगर ये किस तरह से अपनी बाइक्स के लिए सेव करते हैं? और ऑन टॉप ऑफ इट, वो तो सेकेंड क्वेश्चन रहेगा. फर्स्ट क्वेश्चन, यू बींग अ 4-year-old इन टू राइडिंग, how much do you prefer or understand the riding gears concept? Is it required? It is not. Is it not required? What place that have for you in this riding format? Yeah. Riding gears is it's essential. Okay. If you ride without riding gears, no. I don't have. I cannot really explain the importance of riding gears because it's kind of a given. Okay. Like, helmet is essential. No, in total riding gears. देखो हेलमेट तो आप एसेंशियल, राइडिंग गियर्स से मेरा मतलब था वेर इन अ ग्लव, वेर इन अ राइडिंग पैंट, अ बूट, देन अ जैकेट, अ बेस लेयर, योर ईयर प्लग्स मे बी. ये नॉर्मल लोग यूज नहीं करते, हेलमेट्स नॉर्मल लोगों के लिए है, बट द थिंग विच वी आर टॉकिंग एट द मोमेंट इज अ कम्प्लीट पैकेज. What do you think about the complete package? The complete package, in my opinion, it does. It obviously helps in the protection point, right? Okay. It increases your protection. It makes you safer on the road, and it also enhances the feel of riding the motorcycle. Like when you gear up, it's sort of a suit. Like, can you imagine a superhero without a super suit? Armor. You cannot. Yeah. Yes. Right. Like Superman, abhi casual clothes mein sabko bachayega, achha nahi lagega. But when he's wearing a S wala armor wala suit now. It looks nice. Correct. सुपर हीरो के लिए केप होना चाहिए. हाँ, बाइकर्स के लिए गियर होना चाहिए. That's what I think. Great. Now, the one second question I have: how you save for your bikes? Because you told you saved for your first bike, and yesterday you were telling me how you are saving for your bikes and everything. Yeah. How you save for your bikes? I'm in college, right? So essentially, correct. I live on pocket money. Pocket money. That's what सबको पता है. Your father gives you a certain amount of money for a month. हमें 200 मिलते थे, इन्हें 10,000. बस डिफरेंस ही है. इन्फ्लेशन हाँ. गरीबी भत्ता. जैसे नहीं चला. गरीबी भत्ता. चलो हाँ. How do you save for you? तो he gives me a certain amount of money. Correct. मैं थोड़ी कंजूसी करता हूँ जहाँ पे कर सकता हूँ. Right. कंजूस है, कंजूसी करता नहीं हूँ. He is a miser. Yeah, I am a miser and I'm not ashamed of it because you know in future I'd ride good motorcycle. You're vocal about it. Yeah, completely. Yeah, yeah. Chalega, yeah, then how? It's good to be a miser sometimes, right? So, ठीक है. हाँ. हाँ, वो इशारे कर रहा है हमारा कैमरामैन. It's very distracting. But तुम distract, मतलब तुम बताओ तुमने बाइक के लिए कैसे सेव किया वैसे? हाँ, तो
ये वाले बाइक है ना, नेक्स्ट बाइक. हां, नेक्स्ट बाइक वाज योर्स. सो नेक्स्ट बाइक आई एम सेविंग लाइक आई कट कॉस्ट, लाइक आई डोंट पार्टी एज मच, यू नो, आई डोंट गो आउट एज मच. आजकल के लौंडे और कन्याओं बालकों की तरह दारू और शराबों की पार्टीज में आप नहीं जाते, क्योंकि वो सबसे बड़ा खर्चे का पॉइंट है. आई स्टडी एंड लिव इन अहमदाबाद, इट्स अ ड्राई स्टेट, सो क्या ही बोलूं. इनवैलिड पॉइंट. आपने बच्चा था, आपने दुख के रख पे हाथ रख दिया. ऐसे मत करो. इनवैलिड पॉइंट, ठीक है. सो हाउ डू यू सेव? यू डोंट स्पेंड अननेसेसरी. And so basically cut cost. Have you saved for your upcoming bike now? Yes, I have. I started saving for my next motorcycle the day after I bought my first motorcycle. मतलब 4 साल पहले से तुमने शुरू कर दिया. Yeah, so I got the delivery of the Duke on 29 September 2017. Okay. Right. So I started saving for my next motorcycle on 30th September 2017. Just एक दिन बाद से. Yeah, yeah. And that's same for all of my things. Like. अभी continue. That's same for all of my things. Like, for example, if I buy a new helmet, right? Okay. The other day, I start saving for my next helmet. The same with all of my gears. Like, when I recently upgraded my boots. That is good. Yeah. At first, I was using BPG. Now I have a Royal Enfield. हाँ, वैसे that is good. मैंने इनको नहीं बोला था सामने एक बंदे दिख रहे थे इसको. चलो मुद्दे से हटते नहीं है. Even your topic is good. Yeah. You know why I was talking so much to this guy who is relatively, he doesn't have any experience, but still he has a story to tell. और इस वीडियो से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक 4 साल पुराना बंदा, एक बच्चे को, relatively आपकी नज़र में बच्चा है, 21 साल का बंदा बच्चा है, जिसने अभी कदम बाहर रखा है, बाइक चलानी शुरू की है, वो अगर राइडिंग गियर्स को प्रेफरेंस दे सकता है, वो सेविंग को प्रेफरेंसेस दे सकता है, वो पावर को जिम्मेदारी समझ सकता है, बाइकिंग स्पीड को एक लग्जरी समझ सकता है. सो आई गेस ऑल द राइडर्स आउट देयर जो रश चलाते हैं, रेव करते हैं, एंड दे काइंड ऑफ रश इनटू ड्राइविंग, बस इसे समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आ ही सकता है. इसमें कोई गलती नहीं. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. KTM Duke 250 अगर आपको चाहिए, ये बंदे ने बता दिया है. इट्स अ बेसिकली अमेजिंग बाइक. तो मैं हूँ गोमकेतु, ये है उदय. We are the family members of the Twin Brigade, and it's not a sponsored video. ये हम अपने मन से कर रहे हैं. Instagram पे चले जाना, follow कर लेना और video पूरा देख लेना, क्योंकि इसकी detailed story वहाँ पे आएगी. मैं हूँ आपको बंदा घूम के दूँ. मेरा नाम है सुशांक, your boy next door. मिलता हूँ किसी अगले video में. In the meanwhile, please like, share, subscribe and comment to घूम के दूँ for more exciting content.